नमस्कार, मैं बीके दीक्षित आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आपके लिए मैं आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ, डिस्कस आपके साथ जो नॉलेज है वो शेयर करना है। और आज का जो टॉपिक है वो है इकोलॉजी का लास्ट पार्ट। इकोलॉजी का नहीं, बल्कि इकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट जो चैप्टर है, जो 13 चैप्टर है, ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, उसमें हमने दो पार्ट आपके सामने पेश किया है पहले। और जो है उसमें आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक दूसरा पार्ट था, और तीसरा पार्ट पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। स्पीसीज इंट्रैक्शन यानी हाउ द टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी जो इधर जो हमारे दो वीडियो डाले जा रहे हैं, इसमें मैंने जो दो चेंज किए हैं, हालांकि मैं उसको पीछे के भी पुराने वीडियो में भी ये चेंज लाने जा रहा हूँ, लाया हूँ, वो चेंज ये है कि अब आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप में इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड आपकी जो क्लास, जैसे आप मान लीजिए हम 7th और 11th और 12th के वीडियो आपको मिक्स मिलते हैं, तो आप अगर 7th और 11th के वीडियो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर वाइज हमने लिंक दिया हुआ है। सभी चैप्टर के नहीं है, लेकिन रिलेटेड जो चैप्टर के हैं उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप अपने मनवांछित जो भी टॉपिक है, चैप्टर है, वो पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो चेंज हमने किया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चैप्टर की, हर वीडियो की समरी मिल जाएगी, तो आपको नोट्स, आप चाहे तो उसको नोट्स बना सकते हैं या चाहे तो उस नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारी रही, कुछ इनिशियल नॉलेज था जिसको मुझे शेयर करना था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है स्पीसीज इंट्रैक्शन। तो स्पीसीज इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि हाउ द इंडिविजुअल्स ऑफ द टू स्पीसीज इंटरेक्टेड विथ ईच अदर फॉर फूड, फॉर स्पेस, फॉर शेल्टर, फॉर मेटिंग पार्टनर, फॉर इट्सेट्रा। और भी बहुत सारे वजह हो सकती है जिसके वजह से सोर्स रिसोर्स के लिए इनमें क्या हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव इंट्रैक्शन हो सकते हैं। तो देखा गया कि जो इंट्रैक्शंस जो हमने आपको बताया, ये इंट्रैक्शंस को दो हम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है म्यूचुअलिज्म, दूसरा है कॉमनसलिज्म। ये दो को हम पॉजिटिव इंट्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी जो है निगेटिव इंट्रैक्शन की, मतलब दो कैटेगरी है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है? पॉजिटिव इंट्रैक्शन, निगेटिव इंट्रैक्शन। पॉजिटिव इंट्रैक्शन में म्यूचुअलिज्म और कॉमनसलिज्म है, और निगेटिव इंट्रैक्शन में प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन और एमेंसलिज्म है। अब इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो ये आपने छह तरह के इंट्रैक्शन है उनको एक चार्ट के द्वारा हमने यहाँ पर दिखाया है, आपको एक्सप्लेन समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसको चार्ट को समझ गए, तो ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने सब एग्जांपल्स को भी कैटेगरी इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आप इसको समझ गए तो समझिए कि आप स्पीसीज इंट्रैक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। देखिए ये तो अभी आपको बताया कि ये क्या है, नेम ऑफ इंट्रैक्शन है, कौन कौन से हैं, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन और एमेंसलिज्म। ये छह तरह के स्पीसीज इंट्रैक्शंस है। अब आप देखिए कि दो स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन लिया गया, एक का नाम ए, एक का नाम बी लिया गया, जो कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, हमने ए बी से इसको डिजिग्नेट किया है यहाँ पे। अब दूसरे में एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस का मतलब ये हुआ, प्लस का मतलब बेनिफिट, और माइनस का मतलब हार्म, और जीरो का मतलब नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर को बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों पार्टनर को बेनिफिट मिलता है। अब इसका मतलब कि इस तरह के इंट्रैक्शन में बोथ द पार्टनर विल गेट बेनिफिट। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे कहेंगे करेंगे कि इंट्रैक्शन इन विच बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखिए लाइकेन का उदाहरण लेकर के अगर हम इसको समझाएं, तो लाइकेन में क्या होता है कि दो पार्टनर होता है, कि एल्गल पार्टनर होता है और एक फंगल पार्टनर होता है।
अब ये एक तरह का ऑब्लिगेटरी इंटरेक्शन होता है, मतलब ये जो रिलेशन होता है ऑब्लिगेटरी होता है पर कंप्लीट होता है, मतलब अगर दोनों पार्टनर को अलग अलग कर दिया जाए तो दे विल नॉट सर्वाइव, बट मतलब वो उनका ग्रोथ अच्छी तरह नहीं होगा। बट अगर वो दोनों एक साथ रख के ग्रोथ जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो दोनों को बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लाइकेन और माइकोराइजा एग्जाम्पल है, लेकिन वो तो कोई कॉमन एग्जाम्पल है इसलिए इनको यहाँ पर हमने नहीं शो किया है। कुछ जैसे कुछ यूनिक एग्जाम्पल लेकर के हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, जैसे मेडिटेरेनियन ऑर्किड एंड ऑफ्राइस। अब जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड एक तरह का एपिफाइट है, इसमें क्या होता है कि स्यूडो कॉपुलेशन होता है, स्यूडो स्यूडो मतलब झूठा, रियल में कॉपुलेशन नहीं होता। तो होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है कि मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो है और फाइस जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड और फाइस है तो उसमें ऑफ्राइस है सारी, और बी में यहाँ एंड नहीं होना चाहिए, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्राइस एक साथ आप पढ़िए एंड बी। तो इसका जो एक पेटल होता है वो फीमेल हनी बी की तरह दिखता है, फीमेल बी की तरह दिखता है, बम्बल बी की तरह। तो मेल उसके तरफ अट्रैक्ट होता है और फीमेल बम्बल बी समझ के, बी समझ के उसके साथ कॉपुलेट करता है। अब देखिए तो इससे ऑफ्राइस को क्या फायदा हुआ, क्योंकि जब बम्बल बी जब वो अपने एक को लेज करता है, स्यूडो जब कॉपुलेट करता है तो उस समय जो है क्या होता है उसके बॉडी के साथ इसके पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, तो वो पोलन ग्रेन लेकर के फिर किसी दूसरे ऑर्किड ऑफ राइस को पॉलिनेट कर देगा। पर इंसेक्ट प्लांट इंसेक्ट इंटरेक्शन में अगर आप देखिए तो प्लांट जो है इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है और प्लांट को पॉलिनेशन में हेल्प करता है और प्लांट इंसेक्ट को फूड प्रोवाइड करता है, नेक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह का बेनिफिट, एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। अगर हम कॉमन सेलिज्म को देखें तो कॉमन सेलिज्म में एक पार्टनर को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को न तो फायदा हो रहा है न नुकसान हो रहा है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्किड फ्रूट ट्री है। देखिए ऑर्किड आपको बताया कि एक एपिफाइट है और ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है, अपने वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो करता क्या है कि वो जिस ट्री जैसे मैंगो ट्री है या कोई भी ट्री है उस ट्री के ऊपर जब ये ग्रो होता है तो केवल और केवल सपोर्ट लेता है, और इस ऑर्किड के सपोर्ट लेने से जो फ्रूट ट्री होता है उसको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ऑर्किड को एक सहारा मिल जाता है और इस तरीके से वो अपना भोजन भी बना सकता है। और इसमें स्पेशल रूट होती है जिसमें वेलामेंट टीशूज होते हैं एंड दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फियर। तो देखिए इसमें ऑर्किड को तो फायदा हो रहा है लेकिन फ्रूट ट्री को ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसी तरह से यह वर्नाकिल और व्हेल है, ये वर्नाकिल्स जो है व्हेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब वर्नाकिल के व्हेल के ऊपर प्रेजेंट रहने से व्हेल को तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन वर्नाकिल्स को फूड और जो भी शिकार जो है वो उसके साथ मूव करता है तो उसको भोजन और मिल जाता है, इसको जो है ठीक है भोजन लेने में मिलने में सहायता होती है। तो इस इंटरेक्शन में वर्नाकिल को फायदा हो रहा है लेकिन व्हेल को ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसी तरह से कैटिल और ईग्रेट, ईग्रेट एक तरह की बर्ड्स होती है जो ग्रेजिंग कैटिल के बैक पे बैठ जाती है, तो कैटिल को कोई नुकसान नहीं है, ईग्रेट से कोई नुकसान नहीं, लेकिन ईग्रेट को फिर वही भोजन मिलता रहता है। ठीक है, तो जब जैसे मान लीजिए कि वो जब कैटिल जब ग्रास को ग्रेज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट जो है क्या करते हैं उड़ते हैं, और उन्हीं फ्लाइंग इंसेक्ट को ये ईग्रेट कैच करके अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो इस रिलेशन में देखिए ईग्रेट को फायदा हो रहा है लेकिन कैटिल को कोई ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसी तरह से क्लानफिश में सी एनिमोन में देखिए इसमें एक को फायदा हो रहा है, एक को सी एनिमोन को क्या है जो है कोई फायदा नहीं लेकिन क्लानफिश को हेल्प मिल रही है। ठीक है, अच्छा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लान फिश में और सी एनिमोन में एक पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा दूसरे को नाइदर बेनिफिट मिलेगा ना हार्म मिलेगा। ठीक है, पैरासिटिज्म में अब ये निगेटिव है, इसमें देखिए एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल लेकर समझने की जैसे प्लाज्मोडियम और ह्यूमन है,
प्लाज्मोडियम एक इंडो पैरासाइट है और ह्यूमन की लीवर और आरबीसी सेल को डिस्ट्रॉय करता है, वहां पर अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो प्लाज्मोडियम को तो फायदा हो रहा है लेकिन ह्यूमन को नुकसान हो रहा है। इसी तरह से हेड लाउस, ये ह्यूमन के हेयर में जो लाउस पाए जाते हैं, तो लाउस को फायदा है लेकिन ह्यूमन को नुकसान है। कसकुटा, जिस पेड़ पे कसकुटा को फायदा है लेकिन जिस ट्री के ऊपर ये पाया जाएगा उसको हार्म है। इसी तरह टिक एंड डॉक्स, ठीक है, टिक्स को फायदा है, वो ब्लड सक करते हैं, एक्टो पैरासाइट है, लेकिन डॉक को नुकसान है। तो इस तरीके से इसमें एक पार्टनर को फायदा हो रहा है, दूसरे पार्टनर को नुकसान हो रहा है। एक और यहाँ खास बात ये है कि यहाँ पर जो कमजोर पार्टनर है वो बेनिफिट ले रहा है और स्ट्रांग पार्टनर जो है वो हार्म हो रहा है। तो जो कमजोर पार्टनर है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं और जो स्ट्रांग पार्टनर है जिसका जिसको नुकसान हो रहा है उसको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। पैरासाइट होस्ट, पैरासाइट होस्ट। तो पैरासाइट, इसे हेड लाउस में पैरासाइट हेड है, ह्यूमन होस्ट है। कस्कुटा में होस्ट क्या है, वो ट्री है, और कस्कुटा क्या है, पैरासाइट है। टिक पैरासाइट है, डॉग क्या है, वो होस्ट है। प्रीडेशन में देखिए सेम रिलेशन है लेकिन इसको उल्टा करके दिखाया गया है। ऐसा करने के पीछे हमारा जो तथ्य है, इसमें भी देखिए पैरासिटिज्म की तरह ही होता है लेकिन अंतर ये होता है कि इसमें जो स्ट्रॉन्गर जो पार्टनर होता है इट कैप्चर्स द वीकर पार्टनर एंड किल देम एंड यूज एज ए फूड। तो इसमें स्ट्रॉन्गर पार्टनर को बेनिफिट होता है, यानी जो टाइगर है स्ट्रॉन्गर पार्टनर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं, और जो वीकर पार्टनर होता है उसको हम लोग प्रे, यानी यहाँ पर प्रीडेटर और प्रे का रिलेशन होगा। और स्पैरो यहाँ पर क्या है, स्पैरो फ्रूट से फूड को गेन कर लेती है, तो यहाँ पर स्पैरो प्रीडेटर है और फ्रूट प्रे है, ठीक है। कंपटीशन, अब अगर जरा कंपटीशन को देखा जाए तो ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों पार्टनर को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, दोनों पार्टनर को नुकसान हो रहा है कंपटीशन में। मान लीजिए अगर एक कोई किसी एरिया में रिसोर्स है, एक स्पीसीज उसको यूज कर रही है, दूसरा होगी तो रिसोर्स को शेयर करना पड़ेगा, तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों को सफिशियंट रिसोर्स नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है फ्लैमिंगोज एंड नेटिव फिश। फ्लैमिंगोज यानी जैसे ये जो पानी सफ़ेद सफ़ेद जो पानी तालाब में पाए जाने वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं ये फ्लैमिंगोज, बर्ड्स होते हैं, और ये फिश को किल करते हैं। तो इसका मतलब कि जो फ्लैमिंगोज हैं और नेटिव फिश हैं, सॉरी फ्लैमिंगोज भी स्मॉल जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उनको ईट करते हैं, नेटिव फिश भी उन्हीं को ईट करते हैं, तो दोनों में कंपटीशन होता है, ठीक है। एबिंगटन टार्टवाइज और गोड, देखिए जो गेला पेगास आइलैंड है वहाँ के ग्रास को एबिंगटन टार्टवाइज ईट करते हैं, और जब वहाँ पर गोट को इंट्रोड्यूस किया गया तो एबिंगटन टार्टवाइज कंपटीशन के वजह से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। भाई ग्रास के लिए दोनों में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। अब चूंकि गोट एक सुपीरियर क्वालिटी सुपीरियर पार्टनर था, उसने ग्रास को ईट करने की ज़्यादा क्षमता थी, तो ग्रास के खत्म होने से एबिंगटन टार्टवाइस भी गैलापागोस से खत्म हो गया। तो ये भी एक कंपटीशन है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि एबिंगटन टार्टवाइस और गोट में सुपीरियर पार्टनर गोट है, गोट इलिमिनेट कर देता है एबिंगटन टार्टवाइस को। तो इस इंट्रैक्शन को एक नाम दिया था, गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था, और वो यही प्रिंसिपल था कि जो जो सुपीरियर पार्टनर होगा, अगर सेम रिसोर्स के लिए दो इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज के कॉम्पीट कर रहे हैं, तो जो द सुपीरियर वन विल इलिमिनेट द इंफीरियर वन, इसी को गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा गया। क्या है इसमें, द सुपीरियर पार्टनर विल इलिमिनेट द इंफीरियर वन, ठीक है। इसके बाद एमेंसलिज्म, देखिए एमेंसलिज्म ये माइक्रोबियल रिलेशन है एक तरह का, देख सकते हैं, मतलब इसमें एक को तो नुकसान होगा, दूसरे को ना तो नुकसान होगा ना फायदा होगा, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर देखिए, एंड जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फंगस है वो माइक्रोब है,
और वो पेंसिलियम जैसे है, पेंसिलियम एक केमिकल रिलीज करता है एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग पेंसिलिन कहते हैं। अब पेंसिलिन के रिलीज से माइक्रोब को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो बैक्टीरियाज होती हैं वो किल हो जाती हैं, बैक्टीरिया को नुकसान हो जाता है। एंटीबायोटिक्स किल सम अदर माइक्रोब्स, तो जिनको एंटीबायोटिक्स किल करता है उनको तो नुकसान होता है, लेकिन जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ना नुकसान है ना फायदा है। तो ये एमएन सलीजम, या इसी को एक और नाम दिया जाता है एंटीबायोसिस। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब इसी को डिटेल में देखते हैं। डिटेल तो मैंने यहाँ पर बता दिया, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ और पॉइंट्स इसको देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिडेशन को लेते हैं, सभी लेंगे, लेकिन प्रिडेशन को देखिए। प्रिडेशन है क्या? इन दिस पॉपुलेशन इंटरेक्शन वन इंडिविजुअल कैप्चर किल एंड कंज्यूम अदर इंडिविजुअल। चूंकि आपको समझा चुका हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। प्रीडेटर को फायदा होता है, प्रे को नुकसान होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है प्रीडेशन का, प्रीडेशन क्यों इकोसिस्टम के लिए नेसेसरी है, तो इसके कुछ पॉइंट है। इट कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। अगर पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती चली गई तो ये प्रे जो है ग्रास खाते हैं, जैसे डियर ग्रास खाता है, तो ग्रास खत्म हो जाएंगे, प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे, तो वो डियर और जो प्रीडेटर है सबके लिए खतरनाक होगा। तो कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। दूसरा, मेंटेन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है, प्रीडेटर सर्वाइवल डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी टू कैच द प्रे। यानी प्रीडेटर जितना तभी सक्सेसफुल होगा जब उसके अंदर प्रे को कैच करने की एबिलिटी होगी। यानी जो प्रीडेटर जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्किल्ड होगा, जितना उसके अंदर कैपेबिलिटी प्रे को कैच करने की ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। द प्रे सर्वाइवल डिपेंड, और प्रे की सर्वाइवल किस पे डिपेंड करेगी? प्रे को तो प्रीडेटर से बचना है ना, तो उसको उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रे को, जो प्रीडेटर है उसको झांसा दे सके। झांसा देने का मतलब टू अवॉइड बीइंग कैप्चर, उसके कब्जे में ना आए। अगर डियर भागता है बहुत तेजी के साथ भागता है, भाग के अपने आप जान को बचाने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर रनिंग कैपेबिलिटी होती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये प्रिडेशन का एक रिलेशन दिखाया गया है कि लायन जो है, डायन मैंने बोल दिया, लायन क्या कर रहा है, डियर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे रिलेशन। अब इसके बाद से जो प्रे होते हैं उनके अंदर कुछ और क्वालिटी डेवलप होती है ताकि वो अपने आप को बचा सकें। तो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे कैमूफ्लेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं कैमूफ्लेज, अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। मिमिक्री, स्पीड, तो समझ रहे हैं ये दो, तो अभी एग्जाम्पल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। स्पीड यानी रनिंग कैपेसिटी, जितना फुर्तीला, जितना तेज दौड़ने की क्षमता होगी उतना ही अपने आप को सेव करेगा। ये कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं प्लांट के अंदर या कुछ एनिमल के अंदर भी होती है। एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल टू मेक देम डिस्टेस्टफुल टू प्रीडेटर। कुछ एनिमल अपनी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल डेवलप कर लेते हैं कि प्रीडेटर उनको खाना नहीं पसंद करता है। ठीक है ना। इसी तरह से डेवलप थॉर्न एंड स्पाइन, पौधों में जो है थॉर्न और स्पाइन होगा तो उनको, जो ग्रेजिंग एनिमल है उनको अवॉइड करते हैं। अब वो पुंसिया कौन खाता है, और पुंसिया खाएगा पता चला वो अपने मुंह थोड़े उसको जो मतलब उसका जो माउथ पार्ट्स है उसको प्रॉब्लम होगी। एक्युमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल लाइक ओपियम और क्विनिन। अच्छा, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिनमें कुछ केमिकल जैसे ओपियम है, क्विनिन है, इकट्ठा होता है, तो ये इसी पॉइंट से मिलता जुलता है कि वो डिस्टेस्टफुल हो जाता है या पौधों जो प्रीडेटर उनके लिए हार्मफुल होता है, तो उसको ये प्रीडेटर जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको नहीं ईट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कैमोफ्लेक पर आता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रही। अब इस ये कैमोफ्लेक के दो एग्जाम्पल दिए गए ऊपर जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कैमोफ्लेक ये एक तरह के लिजर्ड है, और ये इसकी बॉडी का कलर सरफेस के कलर से मैच कर जा रहा है। तो इसको जो ये अगर प्रे है तो जो प्रीडेटर होगा वो कन्फ्यूज हो जाता है कि यार वो पत्ता है या, जैसे हिंदी में होता है ना सस्पेंस संदेह अलंकार, तो वैसे ही यहाँ भी वही चीज़ हो जाती है। जब संदेह हो जाता है तो ये उस संदेह का लाभ उठा करके बच जाता है। तो सराउंडिंग के साथ मैचिंग द कलर ऑफ द बॉडी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैमोफ्लेक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इनकी जो बॉडी का कलर है
वो बैकग्राउंड कलर से मैच कर रहा है, तो मैचिंग द कलर विद द बैकग्राउंड कलर इज कॉल्ड कैमोफ्लेक्स। कैमोफ्लेक्स मिमिक्री में क्या होता है, मिमिक्री में एक इंडिविजुअल अपने बॉडी का कलर, जेस्टर, साउंड चेंज करके और एक दूसरे एनिमल की नकल करता है, और नकल इसलिए करता है ताकि अपने प्राणों की वो बचा सके। जैसे यहाँ पर मोटेला फ्रॉग है, तो मोटेला फ्रॉग अपनी बॉडी के कलर को चेंज करके डॉट फ्रॉग की तरह दिखाने की कोशिश करता है, और इस तरीके से प्रीडेटर ये समझता है कि यह डॉट फ्रॉग है, और डॉट फ्रॉग को ये पॉइजनस होता है तो डॉट फ्रॉग को खाना नहीं पसंद करते हैं। तो ये जो मंटेला फ्रॉग है वो अपने आप को डार्ट फ्रॉग की तरह दिखा करके अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, तो ये मिमिक्री होता है। वैसे भी देखिए आर्टिस्ट जो होते हैं ना, बड़े आर्टिस्टों की नकल करते हैं, नकल क्यों करते हैं, अपने पेट के लिए चाहे जो भी हो, तो अपने वो जानते हैं कि अगर बड़े एक्टर की नकल करेंगे तो उनको फायदा होगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने से जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उनकी नकल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लोग मिमिक्री कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से पैरासिटिज्म में तो मैंने बहुत सारे डिटेल बता दिया, पहले ही बता दिया था, पैरासाइट होस्ट, एक्टो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, तो इसमें कुछ खास नहीं है। और इसी तरह हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, जो कुकू होती है ना कोयल, उसकी जो फीमेल कुकू है वो लेग, ये अपने एग को क्रो के नेस्ट में लेज करती है। अब इससे क्या फायदा होता है कुकू को, कुकू का जो एग होता है उसको क्रो अपना एग समझ के, यानी फीमेल जो क्रो होती है उस एग को अपना समझ के उसको इंक्यूबेट करती है, उसका संरक्षण करती है, और जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो वो फुर्र हो जाते हैं, फिर क्रो के हाथ कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा पैरासिटिज्म है जिसमें कुकू चालाकी से अपने बच्चों का पालन पोषण क्रो से करवा लेती है, तो इसको ब्रूड पैरासिटिज्म कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ पैरासिटिक एडाप्टेशन होते हैं, चाहे एक्टो पैरासाइट हो चाहे इंडो पैरासाइट हो, उनकी बॉडी के अंदर कुछ एडाप्टेशन होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को सक्सेसफुल रखते हैं, जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। अब उनके अंदर अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, उनके हुक सेंस सकर होते हैं जिससे वो अपने आप को अटैच कर सकें और भोजन को सक कर सकें, चाहे वो रेडीमेड ब्लड हो चाहे फूड हो उसको सक कर सकें। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अब जब रेडीमेड फूड ले रहे हैं तो डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत है, तो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मरने की, उनके किल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ तो किल हो जाएंगे, तो इसके लिए उनमें रिप्रोडक्शन की पावर ज़्यादा होती है, ताकि होता है ना कुछ मर भी गया तो चलो जो बचेंगे वो तो ऑफस्प्रिंग की जनरेशन को मेंटेन रखेंगे। पैरासाइट हैव ए थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, जितने इंडो पैरासाइट्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की एक थिक लेयर होती है जो उनको डाइजेस्टिव जो जूस या केमिकल्स जो होते हैं उनसे बचाती है। चलिए नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन में देखिए मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टनर्स को नुकसान होता है, फ्लेमिंगोज, नेटिव फिश, एबिंगटन, टाइटवाइज गोटे, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यह गॉस एक्सक्लूजन भी आपको बता दिया, फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट लाइव टुगेदर, एक साथ नहीं रह सकते हैं, ए सुपीरियर वन एलिमिनेट द इन्फीरियर वन, और इसी को हम कहते हैं गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद से कंपटीशन में एक कुछ टर्म्स हैं जैसे कंपटीशन रिलीज। अब जैसे हम पहले ही वाले केस में, अगर मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरी स्पीसीज के वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जैसे मान लो अगर हम उदाहरण ले लें कि कोई राजा है, वो राजा अपने राज्य का विस्तार इसलिए नहीं कर पा रहा है कि बगल में दूसरा उससे भी स्ट्रॉन्गर राजा है, वो उसको विस्तार नहीं करने दे रहा है। अब अगर उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, हो जा रही है, और जो उसका जो सक्सेसर है वो कमज़ोर है, तो अब पहले वाले राजा को अपने राज्य विस्तार करने का मौका मिलेगा, है ना। उसी चीज़ को यहाँ पर कल्पना कीजिए कि एक स्पीसीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज,
उसके बगल में सुपीरियर स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट है जो उसको एक्सपेंड होने से रोकती है। अब सपोज कम्पिटेटिव सुपीरियर स्पीसीज क्या हो रहा है, वो इलिमिनेट हो गया, तो जो प्रीवियस जो स्पीसी था जिसको एक्सपेंड होने का मौका नहीं मिल रहा था, दैट विल एक्सपेंड। इसी को हम लोग कहते हैं कंपटीशन रिलीज, यानी उसकी मार्ग का रोड़ा हट गया, उसके जो हर्डिल था जो उसको फैलने से रुक रहा था वो खत्म हो गया, तो अब वो फैलेगा। तो इसी को कंपटीशन खत्म हो जाने की वजह से उसके अंदर जो रिलीज आएगी, जो एक्सपेंशन एबिलिटी आएगी, उसको हम लोग कंपटीशन रिलीज कहते हैं। ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, यानी व्हेन कॉम्पिटिटर इवॉल्व निक डिफरेंस ऑन या एनाटॉमिकल डिफरेंसेस दैट लेजन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन, द डिफरेंस इज ऑफन ग्रेटेस्ट वेयर द कॉम्पिटेटिव ओवरलैप। ठीक है, इसके बाद से मतलब अगर देखिए ओवरलैप को मतलब अगर ऐसा एरिया जहाँ से में दो कॉम्पिटिटर एक साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो जिसके पास बेटर क्वालिटी होगी, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए जिसके अंदर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस या कैरेक्टरिस्टिक बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जिसके बाद ग्रेटेस्ट कंपटीशन होगा, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अब रिसोर्स पार्टिशनिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्हेन द सिमिलर स्पीसीज को एग्जिस्ट बट इज स्पीसीज ओनली यूज पार्ट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स। जैसे अब मान लीजिए कि कोई पौधा है, अब उस पौधे के कोई दूसरा जो प्रीडेटर है वो उसकी पत्ती को खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, और दूसरा जो पार्टनर है वो उसकी रूट को खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है या उसके स्टेम को खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों एक ही प्लांट के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि एक पत्ती को अच्छी तरीके से खाना पसंद कर रहा है, दूसरा उसके इस रूट को खाना पसंद कर रहा है। तो अगर इसी तरह से मतलब अगर सिमिलर स्पीसीज हैं और अपने जो प्रे स्पीसीज है जिसका शिकार कर रहे हैं उसके अलग अलग पार्ट को यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है, एग्जाम्पल लाइक एन माइकोराइजा, मेडिटेरियन ऑर्किड एंड ऑफराइस, हम्बल बी, बम्बल बी कहते हैं इसको। अब आगे म्यूचुअलिज्म में यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पॉलिनेशन इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप लाइकेन का आप देख सकते हैं, तो ये म्यूचुअलिज्म है। अच्छा, इसके बाद से जो है नेक्स्ट है आप देख सकते हैं कॉमन सेलिज्म। ठीक है, कॉमन सेलिज्म में एक पार्टनर को फायदा होगा, एक को ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। जैसे देखिए बर्नाकिल सानवेल, आर्किड फ्रूट ट्री, बर्नाकिल सानवेल, ये दो दो बार आ गया है, कैटिली ग्रेट,